हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ संडे अपडेट की वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट मैं एडेनियम ही दिखा रही हूँ। वैसे मैं एडेनियम का जो वीडियो था वो अपने सेकंड चैनल पर डाल रही थी, पर 2-3 दिन से वो चैनल मतलब कि आईडी नहीं खुल रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है यूट्यूब में, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ, उसमें वीडियो भी नहीं डाल पाई। और 2 दिन से तो मैंने अपने इस चैनल पर भी वीडियो नहीं डाले क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा आज शेयर करूं, क्योंकि आज भी वैसे मैं ठीक तो नहीं कह सकती अपने आप को। अभी मैं हॉस्पिटल से ही आई हूं, ब्लड टेस्ट वगैरह भी मैंने कराए हैं। तो मुझे फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय और थोड़ी सी एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे पूरे बॉडी में, तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई है। तो बस थोड़ा सा एडेनियम दिखाऊँगी, इधर का ही एडेनियम है सारे। और जिनमें बहुत सारे प्लांट में कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, ये देखिए यहाँ पर, और न्यू न्यू प्लांट भी कलियाँ बनने लगी हैं जिनमें पहले नहीं बनी थी कलियाँ। और इधर फ्लावरिंग भी चल रही है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हेल्दी चल रही है, ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही। और एक चीज़ देखिए, मेरे जो मिस इंडिया वेराइटीज़ उसमें देखिए एक सीड पॉड भी बना है। बने तो दो थे लेकिन एक तो बिल्कुल छोटा सा रह गया, दूसरा देख लिया मैच्योर हो रहा है। अगर इसमें सीड अच्छे मैच्योर हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मतलब हाइब्रिड वेराइटी के सीड मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे। और फर्स्ट टाइम ये बन रहा है, अभी इसी साल मैंने फरवरी मार्च में इसको ग्राफ्ट किया था अपने, ये इसका मदर प्लांट है इसकी। देखिए इसमें भी कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई दोबारा से। तो अभी अब फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट होने वाला है एडेनियम का फिर से। एक बार ये फ्लावरिंग करके सारे मतलब कुछ में सीड पॉड बनने लगे हैं, कुछ ख़त्म हो गए हैं। और जिन नहीं बने हैं अभी देसी जो वेराइटी है उसमें नहीं बने हैं, कलियाँ नहीं बनी हैं इनमें, इनमें एक भी बार अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है फरवरी से प्रूनिंग के बाद से। कुछ प्लांट मैंने प्रून भी किए थे, देखिए अभी 15 दिन पहले इनको प्रून किया था, उनकी अपडेट भी दिखा दूँ आपको। ये देखिए काफ़ी अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। ये देखिए आज इसको पानी नहीं दिया है और धूप भी लग गई थी, इसकी बैंड हो रही है इसकी जो ब्रांचेस हैं। और यहाँ पर देखिए सारे एडेनियम ही हैं। यहाँ पर हमारा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है जो ज़्यादा धूप की वजह से ये भी नहीं खिल पा रहा अभी। जरबेरा मेरा काफ़ी अच्छा हेल्दी चल रहा है, ये देखिए। और फिर से कली इसमें न्यू कली बनी हुई है। और इधर कुछ एडेनियम सीड लेके देखिए, पिंक वाले हिबिस्कस, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो मुझे स्प्रे करना था लेकिन नहीं कर पाई हूँ अभी। मैंने काफ़ी टाइम से इनमें स्प्रे नहीं किया। येलो हिबिस्कस में देखिए कितनी सारी ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं, फ्लावर तो अभी नहीं खिला है लेकिन कलियाँ खूब सारी बननी स्टार्ट हुई है। इसमें मैंने वही बनाना पील और वेजिटेबल पील्स दिया था जिससे बहुत सारी कलियाँ क्वान्टिटी में बन रही हैं। इधर थोड़ी सी कलंचों की भी हालत ख़राब है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और इधर जेट प्लांट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, इसकी मुझे पिंचिंग भी करनी थी। देखिए कितने हर ब्रांच पे इसमें इतनी सारी न्यू ब्रांच निकल रही हैं जिनको मुझे थोड़ा सा पिंच करना था, शेप में लाना था, लेकिन अभी अब नहीं कर पाऊँगी कुछ दिनों तक तो मैं। और ये देखिए इसमें पानी की कमी हो गई तो ये भी बैंड हो रहा थोड़ा सा। तो 3 दिन से गार्डन में मैं बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मैं बिस्तर से उठी ही नहीं थी। और ये पोर्चुला का है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं इनमें हाइब्रिड मॉस रोज। ये इधर देखिए इसमें क्या नाम है इसका, कॉस्मोस, इसमें फ्लावरिंग काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग हो रही है। एक ही प्लांट मैंने लगाया था और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इधर देखिए गजानिया में भी फ्लावर आया हुआ है, अभी बारिश में ख़राब हो जाते हैं मेरे यहाँ, नहीं तो पूरे समर ये मेरे यहाँ पूरी गर्मी भर चलते रहते हैं। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये देखिए यहाँ पर भी खिल रहा है ये, तो पूरी गर्मी ये चल जाते हैं। बारिश में ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और ये पोर्चुला का येलो कलर के आज वाइट भी खिला है देखिए। और मैंने 3 दिन पहले कटिंग निकाली थी इसकी, मेरी कटिंग वैसे ही पड़ी, मैं उसको लगा नहीं पाई। फिर बहुत सारी कटिंग इनमें से मैंने निकाली थी, पर अभी भी उनको अगर मैं लगा दूँगी तो लग जाएंगी, पर अभी अब पता नहीं लगा पाऊँगी या नहीं। इधर देखिए हाइब्रिड विंका की मैंने बहुत सारी प्रूनिंग करी थी और न्यू ग्रोथ लाने के लिए इनको, प्लांट को और ज़्यादा बुशी बनाने के लिए मैंने इनको पिंच कर दिया था। और कुछ क्रिसेंथियम की कटिंग भी मेरी तैयार हो गई थी, इनको रिपोर्ट भी करना था, बस अब कर लूँगी जब ठीक लगेगा मुझे तो। इधर पर्पल हिबिस्कस है, नाग चंपा की फ्लावरिंग कम होगी, कल आंधी बहुत ज़्यादा तेज आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे फूल झड़ भी गए हैं। और ये देखिए मेरा ट्रिपल लेयर हिबिस्कस है, ढेर सारी कलियाँ बनी हैं, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा मिलीबग का भी अटैक हो गया है। ये देखिए चींटियाँ भी चल रही साथ में। तो अभी तो फिलहाल 2-4 दिन मैं भी कुछ भी नहीं करूँगी, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट जब करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
येलो हिबिस्कस ज़्यादा धूप और गर्मी की वजह से इसकी कलियाँ ठीक से नहीं खिल पाती हैं। कलियाँ बहुत सारी बनती है, देखिए इधर मोगरा का प्लांट है जो फूलों से भरा हुआ, बिल्कुल कलियों से भरा हुआ है। और येलो लेंटाना की फ्लावरिंग अब थोड़ी सी कम हो गई है, देखिए अब इस समय फ्लावर बहुत ही कम दिख रहे हैं गार्डन में, क्योंकि एक बार ये फ्लावरिंग करके बहुत हैवी फ्लावरिंग करके ख़त्म हुए हैं। टिकोमा भी अभी एक बार खिल चुका है और फर्टिलाइज़र भी कुछ नहीं दिया है, फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो लगातार इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। और इधर नागचंपा की दो कटिंग जो थी वो भी बढ़िया अच्छे से चल रही हैं। इधर हमारा येलो टिकोमा है, इसमें अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं। इधर कोचिया है सारे, तो इस तरह से हमारा गार्डन दिख रहा है। और वीक में दो बार मैं अपने गार्डन की क्लीनिंग करती थी, लेकिन अभी मैं इस बार नहीं कर पाई हूँ, तो गार्डन थोड़ा सा गंदा सा ही है। इधर उधर मैंने वीड्स वगैरह भी कुछ निकाले थे तो पड़े हुए हैं ऐसे ही। इधर देखिए रोज़ में ही फ्लावरिंग, इनमें बहुत सारी कलियाँ बनती रहती हैं, लेकिन इनकी कलियों को मैं इस तरह से पिंच करके हटा देती हूँ, क्योंकि ये ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं, इसलिए इनको हटा देती हूँ। क्योंकि अभी ये धूप में इतने ज़्यादा खुद ही परेशान है और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है इनकी। और कुछ वीड्स वगैरह हो उसको आप हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा वीड्स इस समय ग्रो हो रही गार्डन में। इधर देखिए एक बरगद का प्लांट भी लगाया था मैंने, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। एक सनफ्लावर उधर है और ये पर्सलेन, इससे मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी। रोज़ के प्लांट में अपने आप ही सीड्स ग्रो हुआ था, येलो कलर का है, बहुत प्यारा सा है। ये देखिए इस तरह से फ्लावर आते हैं इसमें। तो अभी मेरे गार्डन फ्लावर बहुत ही कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम। ये देखिए डहेलिया के बल्ब दिख रहे हैं, मेरे बेटे ने वीडियो बनाया था उसे आलू बोल रहा था, आलू है ये, उसको पता नहीं है क्या चीज़ है ये। तो और इधर सारी एडेनियम की सीडलिंग है जो मैंने न्यू अभी रिपोर्ट करी थी कुछ दिन पहले ही, लगभग 20-25 दिन हुए होंगे इनको रिपोर्ट किए हुए। ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। कुछ प्लांट मेरे मतलब ऐसे पता नहीं, कल बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान सा आया था उसकी वजह से टेढ़े से हो गए हैं, या फिर पानी डालने की वजह से, क्योंकि बच्चों ने दिया है पानी तो थोड़ा बहुत पाइप्स दे दिया है ऐसे, तो हिल गए थे। थोड़ी सी मिट्टी डाली मैंने उस प्लांट में। उधर भी एक रोज के प्लांट रखा है जिससे फ्लावर आ रहे हैं। इधर हमारा लेंटाना, देखिए कितने सारी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, लेंटाना में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और वेडेलिया के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, येलो कलर के फूल आते हैं इसमें छोटे छोटे से, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, तो ये भी अच्छे से चल रहा है। इधर ही हिबिस्कस है। और बस गार्डन मैंने कुछ नया किया नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने गार्डन में पानी भी नहीं डाला है। और ये येलो कलर का अलमंडा है, वाइन वाला, जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावर थोड़े से इसके भी कम हो गए हैं, क्योंकि हमको फर्टिलाइज़र रेगुलर देते रहना है। तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि अभी हमको क्या काम कर लेना है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी वैसे जब काम करूँगी, पर अभी फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। बारिश स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि आप लोगों के एरिया में अगर होना शुरू हो गई है तो आप इनको फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, सीवीड एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एप्सम सॉल्ट, इस तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट में गुड़ाई करके, जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं, हिबिस्कस है, मोगरा है, चांदनी है, तो इनकी जो ग्रोथ है जैसे ही बारिश का पानी इनमें मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा निकल करके आएगी। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है सारे प्लांट को, तो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल करके आएगी प्लांट। जैसे ही पहली बारिश पड़ेगी प्लांट में, पहले दूसरी बारिश पड़ेगी एक दो बार की, तो प्लांट बहुत जल्दी यानी हेल्दी होने लगेंगे। तो वो आप कर लीजिए, धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि प्लांट ज़्यादा होते हैं तो एक साथ करना भी पॉसिबल नहीं होता है। और साथ में फर्टिलाइज़र दीजिए फ्लावरिंग के लिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और आप बायो ऑर्गेनिक पोटास भी दे सकते हैं। और केमिकल पोटास तो मैं यूज नहीं करती हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो उसको भी एक चम्मच लगभग 10 लीटर पानी में घोल करके आप उसको भी दे सकते हैं, अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो। नहीं करते तो कोई बात नहीं, उसमें आप बनाना पील या फिर वेजिटेबल पील्स का फर्टिलाइज़र दीजिए, पर उसको ज़्यादा दिन तक मत रखिए, बस दो या तीन दिन रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। ज़्यादा दिन रखेंगे तो उसे फंगस पैदा होगा और बदबू आएगी, उसकी वजह से आप उसको ज़्यादा दिन तक मत रखिए। और इधर देखिए पर्सलेन पोर्चला का, 12 बज गए हैं तो थोड़े से इनके फूल अब सूखने लगे हैं, पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी इनमें हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।